वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो क्लब। दोस्तों मेरा नाम है कौशिक, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रियलमी 6 प्रो के रियलमी 3.0 एंड्रॉइड 12 अपडेट के बारे में। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कहूँ, ये जो डिवाइस है इसके अंदर अभी तक 2 मेजर अपडेट जो क्राइटेरिया है रियलमी का वो कंप्लीट नहीं करवाया गया है। सिर्फ 1 मेजर अपडेट प्रोवाइड कराया है रियलमी ने इस डिवाइस के अंदर। रियलमी 6 प्रो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डिवाइस है रियलमी का, और अभी तक हमें बहुत सारे ओल्ड डिवाइस के अंदर भी रियलमी और 3.0 एंड्रॉइड 12 के जो अपडेट्स है वो देखने को मिला है सिवाय रियलमी 6 प्रो के। बट ये क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता। मैंने तो इसलिए रियलमी को पर्सनली एक मैसेज किया है कि आप इसके ऊपर कुछ राय दे अपना कि क्यों नहीं दे रहा है। इसके ऊपर मैंने रिगार्डिंग एक मैसेज किया है और उसका रिप्लाई भी रियलमी ने यहाँ पे हमारा दे दिया है। तब दोस्तों बात करते हैं आगे जाके क्या होगा रियलमी 6 प्रो के अंदर, रियलमी 3.0 एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट आएगा या नहीं उसी के बारे में बात करते हैं। वेल रियलमी 6 प्रो में मुझे लास्ट अपडेट देखने को मिला था 3.29 वर्षन, और जो वर्षन तो हमें वो देखने को मिला था अप्रैल 2022 में रियलमी 6 प्रो के अंदर देखने को मिला था रियलमी 2.0 एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस करके। बट अभी तक इसके अंदर कोई भी रियलमी 3.0 एंड एंड्रॉइड 12 का खबर नहीं है, मतलब कोई भी न्यूज़ नहीं है अभी तक। बट इतने मंथ हो गए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओल्ड डिवाइस की अपडेट देखने को मिल गया, बट रियलमी 6 प्रो को अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिलता। ये जो अपडेट था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपडेट था आप लोगों के लिए। मई एंड अप्रैल मंथ का 2 मंथ का सिक्योरिटी पैच था, एंड्रॉइड आइकन वाला इशू आ रहा था वो भी फिक्स किया गया था, डुअल मोड ऑडियो फंक्शन को भी ऑप्टिमाइज़ किया गया था। बट अभी तक रियलमी 3.0 का कोई नामो निशान या एलेक्सिस का ये ओपन बीटा का ये कुछ भी रियलमी ने मेंशन नहीं किया। तो मैंने रियलमी को यहाँ पे ऑफिशियली कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो रियलमी ने क्या कहा है वो अब देखते हैं। वेल रियलमी ऑफिशियल कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट डाला था जहाँ पे मैंने कहा था लेट्स फाइंड आउट व्हेयर इज रियलमी 3.0 अपडेट इन रियलमी 6 प्रो। बट मैंने वहाँ पे कहा था कि हाई रियलमी ऑफिशियल यहाँ पे रियलमी 6 प्रो को क्यों अभी तक 2 मेजर अपडेट देखने को नहीं मिला, जहाँ पे रियलमी के जो अपडेट पॉलिसी है प्रो सीरीज के अंदर 2 मेजर अपडेट देखने को मिलता है, बट रियलमी 6 प्रो को यहाँ पे क्यों देखने को नहीं मिल रहा है ये मैंने वहाँ पे पूछा था। मैंने ये भी कहा था कि आपका जो अपडेट पॉलिसी है वो 2 मेजर अपडेट प्रोवाइड करता है, रियलमी 6 प्रो को क्यों यहाँ पे 1 मेजर अपडेट मिला है। तो मैंने बहुत सारे कोई सवाल वहाँ पे कर रहा था, और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि एज सुन एज पॉसिबल आप जितनी जल्दी चाहिए उतनी जल्दी है जो रियलमी 6 प्रो के अंदर रियलमी 3.0 का जो अपडेट है वो प्रोवाइड करें। तो मैं यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिखा है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे उन लोगों ने क्या रिप्लाई दिया मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो रियलमी का ऑफिशियल स्टाफ है इन्होंने यहाँ पे जो है आंसर दिया है हमारे साथ क्या दोस्तों, आंसर उन्होंने कुछ इस तरह से दिया है इस पोस्ट का रियलमी ऑफिशियल ने। यहाँ पे उन्होंने खुद इसका जो सोल्यूशन है वो बताया है। वो कह रहे हैं कि हे सॉरी बट साइन वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग इट, वी कांट गिव यू एनी अपडेट येट, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर इट। मतलब उन लोगों का अभी तक पता नहीं है कि अपडेट कब जाकर रिलीज़ हो, उन लोग अभी तक ये अपडेट रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक उन लोगों के पास नहीं आ रहे। बट अगर कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाए तो तब जाके आप वो अपडेट यहाँ पे वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो लोग भी वेट कर रहे हैं। मतलब एक बात तो क्लियर है कि रियलमी ने यहाँ पे जो अपडेट है वो प्रोवाइड करना है रियलमी 6 प्रो के अंदर, बट कब जाके प्रोवाइड करेगा इस तरह से कोई डेट अभी तक उन्होंने कन्फर्मेशन नहीं दिया। आप देख सकते हैं जो रिप्लाई है वो 15 जुलाई का है, तो मैंने पोस्ट भी 15 जुलाई को ये करा था और आज 16 जुलाई है और उन्होंने तुरंत रिप्लाई दे दिया इसका, आप देख सकते हैं। और सो बहुत ही अच्छी बात है, रियलमी बहुत अच्छी तरह से रिप्लाई देता है हर एक कुछ प्रॉब्लम का। तो अपडेट वो किसी भी दिन प्रोवाइड कर सकते हैं, जब भी उसे कॉन्फर्मेशन मिल जाए तभी वो अपडेट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए वो लोग भी वेट कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और आप लोगों के लिए हमने रियलमी की तरफ से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की इस अपडेट के लिए, इस मेहनत के लिए तो एक लाइक बनता ही आप लोगों के पास, इतना तो कह ही सकता हूँ कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो दोस्तों यही था कुछ वीडियो आप लोगों के लिए, मैं मिलता हूँ आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।